जिला की बंडा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने पीएनसी को उम्मीदवार का बनाओ तो बगावत जैसे दिखाई देने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी में। दरअसल वीरेन सिंह को उम्मीदवार बनाने के बाद क्षेत्र के वरिष्ठ नेता रंजोर सिंह बुंदेला के समर्थक सड़कों पर हैं और अपने नेता के लाने न्याय मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। रंजोर सिंह बुंदेला को क्षेत्र में बड़ा प्रभाव है, उनके परिवार के लोग पंचायत और नगर पालिका की राजनीति में भी सफल तरीके से काम कर रहे हैं और रंजोर सिंह पिछले कई सालों से विधानसभा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक से सरकारी नौकरी कर रहे वीरेन सिंह को टिकट दे दी गई, सो रंजोर सिंह बुंदेला के समर्थक बेहद गुस्सा में हैं। को टिकट नहीं मिलेगी तो नहीं वोट बिल्कुल नहीं देंगे, वोट देने को कोई तैयार नहीं है, उनको वीरेंद्र को कोई पहचानता नहीं है, दाऊ साहब सबकी मदद करते हैं, उन्हीं को विधायक बनाओ जाए। उतनी रंजोर सिंह बुंदेला को भी क्या वो है कि पार्टी ने जो निर्णय करे है वो समझ से परे है, अब समर्थकों से मिलकर आगे को रास्ता तय करेंगे। आपने विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां की, लेकिन पार्टी ने वीरेंद्र लंबाड़दार का नाम घोषित कर दिया, अब आपका अगला कदम क्या होगा? जो शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए बधाई देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैंने जो परिश्रम किया पिछले 5 वर्षों से भी अधिक समय हो गया और लगातार 3 वर्षों से मैं जनता की सेवा के लिए चाहे बंडा हो चाहे सायरन की छोटी छोटी समस्याओं से लेकर कोई भी समस्या हो जनता की सेवा करता रहा। भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यक्रम आते थे या जो योजनाएं थी उनका प्रचार प्रसार करता रहा, संगठन के लेकर जो भी कार्यक्रम होते थे उनका काम करता रहा हूँ। पार्टी ने अब चूँकि प्रत्याशी तय कर दिया तो अब तो ये विकट परिस्थिति पैदा हो गई कि मुझे मजबूर होना पड़ रहा, मैं जनता के बीच जाऊंगा, जनता और हमारे समर्थक जो भी मुझे सुझाव देंगे मैं आगे का कदम कुछ ही समय बाद बता दूंगा कि क्या करने जा रहा हूँ। आप कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह के करीबी माने जाते हैं, आपने उनसे या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से क्या बात की? मैंने अपनी बात माननीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह जी के पास अपनी बात पहुँचा दी थी, उन्होंने ऊपर स्तर पर बात क्या की इसके बारे में मुझे तो नहीं पता, मैंने मिलने का समय मांगा तो उन्होंने समय मुझे दिया है, मैं अति 1 या 2 दिन में उनसे मिलकर अपनी बात और भी रखूंगा, उसके बाद आगे देखा जाएगा क्या होगा। अब इसके बाद आपका आगे का क्या निर्णय होगा? अब आगे का निर्णय तो जनता पर तय है, लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है, जनता ही सर्वमान होती है, पार्टी कोई भी हो प्रत्याशी कोई भी हो यदि जनता ने यदि जिसको भी स्वीकार करेगी जनता तो जनता का निर्णय होगा। मैं अपने जनता बंडा क्षेत्र की जनता के बीच जाऊंगा, अपनी बात रखूंगा, अपने कार्यकर्ताओं के पास जाऊंगा, अपने समर्थकों के पास जाऊंगा, यदि उनका निर्णय होगा चुनाव लड़ने का सुझाव होगा तो मैं आगे उनके निर्णय को स्वीकार करते हुए और निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा यदि जनता का फैसला रहा। बंडा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता के लिए संदेश देना चाहता हूं कि हमारे सागर क्षेत्र का हमेशा अपेक्षा होती रही है, तो पहली बार कोई प्रत्याशी के तौर पर क्षेत्र से आया था तो पूरी विधानसभा के लिए मैं आग्रह करता हूं, निवेदन भी करता हूं बार बार कि आपने अपना छोटा भाई समझ कर यदि सागर को अपना भाई माना है तो एक बार इस क्षेत्र से भी कोई भी ऐसा प्रतिनिधि बन निकल के आए जो इस क्षेत्र के लिए विकास कर सके, उनकी सेवाएं कर सके, मैं अपील करता हूं और सहयोग और समर्थन की अपेक्षा करता हूं कि आप ऐसे व्यक्ति के लिए सहयोग करें, ऐसे व्यक्ति का समर्थन करें जो आप तक पहुंचता हो, आपके सुख दुख में शामिल होता हो, आपके तकलीफों को समझता हो, आपके बीच में सरलता से विनम्रता से आपके बीच में बना रहता हो। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के 3 महीना पहले से प्रत्याशी चयन करवे की प्रक्रिया शुरू कर दी है, 39 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, लेकिन ऐसे में कछु सीटों पर बगावत जैसी खबरें भी सीधे तौर पर सामने आ रही हैं। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर
द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।